हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल में फिक्रे। और आज हम अपना नया ब्लॉग लेके आ गए हैं जो है व्हाट आर द कॉमन रीजन फॉर रिजेक्शन ऑफ अ शेंगेन वीज़ा। इसके लिए हमारे को काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई और काफ़ी व्यूअर्स ने बताया कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है और उन्होंने बताया कि आप प्लीज़ हमें बताइए कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं किसी के वीज़ा रिजेक्ट होने के लिए। तो हमने सोचा कि हम एक ब्लॉग बनाते हैं जिससे आप लोगों को भी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या क्या वो रीज़न हैं जिससे वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आजकल आप यूज़ कर रहे हैं जिसके वजह से शेंगेन वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, आखिरी तक देखें, कुछ भी मिस ना करें, बिकॉज इसमें जो इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फर्स्ट कॉमन मिस्टेक इज़ फॉल्स ट्रैवल डॉक्यूमेंट। बेसिकली ये मिस्टेक ऐसे होती है कि कई बार आप लोग अपने जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं या पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनको फॉल्स सबमिट कराते हैं। और कई बार अगर ये वीज़ा ऑफिसर्स को मिसलीड करना चाहते हैं आप लोग और अगर वो लोग आपको पकड़ लेते हैं तो डेफिनेटली आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। और ये भी हो सकता है आपको ट्रैवल बैन कर दिया जाए शेंगेन कंट्रीज़ में। तो प्लीज़ ऐसा कभी ना करें। सेकंड कॉमन मिस्टेक जो है, आप लोग अपना जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है उसको सही से एक्सप्लेन नहीं करते अपनी एप्लीकेशन पे और रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते। कई बार आप लोग क्या होता है जो पर्पस ऑफ ट्रैवल है, लाइक आप घूमने जा रहे हैं या फिर शादी के लिए वहाँ अटेंड करने जा रहे हैं या कुछ भी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप सही से लगाएं। बिकॉज अगर वो रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स आप सही से नहीं लगाते तो डेफिनेटली जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपका वीज़ा को रिजेक्ट कर देगा। और अगर आप किसी मैरिज के लिए जा रहे हैं तो मैरिज के रिलेटेड आप डॉक्यूमेंट लगाएं, जिसके घर जा रहे हैं उसका एड्रेस लगाएं, उसके सारी इन्फॉर्मेशन कार्ड लगाएं। बिल्कुल। तो जिससे क्या होगा, आपका जो केस होगा वो मजबूत होगा और आपको आराम से वीज़ा मिल सकता है। और पर्पस ऑफ ट्रैवल भी बहुत क्लियर होना चाहिए और उस पर डिफाइन होना चाहिए कि आप किस लिए जा रहे हैं, किस टाइम पर रहेंगे, कहाँ पर रहने वाले हैं, क्या क्या करने वाले, एकदम डिटेल प्लान होना चाहिए। डिटेल आइटिनरी भी साथ में लगाएं। कई बार हमने देखा है कि लोग इतनी डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करते चीज़ों को, उसके कारण भी आप लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। थर्ड कॉमन मिस्टेक होती है डैमेज पासपोर्ट। कई बार आप लोग जो पासपोर्ट सबमिट करते हैं वो डैमेज होता है, विथ मीन्स जो उसमें से पेपर है वो निकल रहा होता है या पेपर फटा हुआ होता है। इन दैट केस आपका जो वीज़ा है उस पर नहीं लगेगा और डायरेक्ट आपका रिफ्यूजल होगा वीज़ा का। तो आप ध्यान रखें, अगर आपका पासपोर्ट डैमेज हो गया है तो उसको नया इशू कराएं और जब ही उसको सबमिट करें। और अब मैं आपको बताती हूँ फोर्थ कॉमन मिस्टेक इज़ इनवैलिड पासपोर्ट। इनवैलिड पासपोर्ट का मतलब ये है कि आपके पासपोर्ट में एटलीस्ट 6 मंथ्स वैलिडिटी होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट 6 महीने वैलिड होना चाहिए आप जब आप ट्रैवल कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया है लोगों के पास वैलिडिटी पासपोर्ट की होती नहीं है और वो वीज़ा अप्लाई करने चले जाते हैं। इन दैट केस में आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड कि जो आपका और आपके पासपोर्ट में एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेज होने चाहिए जहाँ पे वीज़ा की स्टैम्प लग सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो। और फिफ्थ कॉमन मिस्टेक होता है लैक ऑफ आइटिनरी, ट्रैवल आइटिनरी। इससे हमारा मतलब ये है कि कई बार जब आप ट्रैवल आइटिनरी बनाते हैं तो मेन कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन आप सही से मेंशन नहीं करते। और उससे भी कई बार क्या होता है कि उनको लगता है कि आपकी आइटिनरी सही नहीं बनी हुई या कन्फ्यूजन है तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं। थर्ड, जितने भी दिन आप वहाँ पर रुक रहे हैं उतनी रातों का कन्फर्म अकोमोडेशन का प्रूफ आपको लगाना है और जितने भी लोग आप जा रहे हैं उनकी फ्लाइट टिकट कन्फर्म उनकी लगानी है वीज़ा के लिए। और कई बार ऐसा देखा गया है कि आप एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री ट्रैवल करते हैं तो आपको बताना है कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री कैसे ट्रैवल करने वाले, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है और अगर आपके पास उसका टिकट्स है या फिर कोई बुकिंग है तो वो भी आप लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका केस मजबूत हो जाएगा और आपको वीज़ा मिलने के लिए आसानी। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। वी रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट। और हमको ऐसे ही प्यार देते रहें जिससे हम आगे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम देते रहें। सो स्टे कनेक्टेड। और सिक्स मिस्टेक होती है इनवैलिड लेटर ऑफ रेफरेंस। इनवैलिड लेटर ऑफ रेफरेंस से हमारा मतलब है कि जब आपको एक अपने कंपनी लेटर हेड पे एक आपको लेटर सबमिट कराना होता है एम्बेसी पे, उस पर लिखा होगा कि आप किस कंपनी में काम करते हैं, किस पोजीशन पे काम करते हैं, कब आपकी ज्वाइनिंग डेट थी और आप लोग यहाँ घूमने जा रहे हैं, कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स लाइक अ एनओसी। अगर ये नहीं जमा कराते तब भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके रिजेक्शन का।
उसके बाद कहीं ये भी देखा गया है कि ये जो लेटर है ये 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पुराना होता है जब भी एक रिजेक्शन का कारण हो सकता है। और ये जो लेटर है ये ऑथराइज सिग्नेटरी के साइन भी होना चाहिए और स्टैंप भी होना चाहिए। अगर इस पे नहीं हो स्टैंप और साइन नहीं होगा जब भी एक रीज़न बन जाता है आपके वीज़ा के रिजेक्शन। और 7th कॉमन मिस्टेक होती है इनसफिशिएंट फंड्स इन योर बैंक अकाउंट। बेसिकली आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है जो बैंक के लेटर हेड पे होती है और उसे बैंक का स्टैंप और साइन होना चाहिए। जब आप इसे सबमिट करते हैं तो ये 6 मंथ्स की स्टेटमेंट आपको सबमिट करनी है जिसमें आपका एक हेल्दी बैंक बैलेंस आपको दिखाना होता है। अगर आप ये नहीं सबमिट करते जब भी एक कारण होता है आपका वीज़ा के रिजेक्शन का। और कई बारी क्या होता है हमने देखा गया विद इन 6 मंथ्स कई बारी बैंक का आपका जो बैलेंस है वो 0 चला जाता है या काफ़ी लो चला जाता है, तब भी एक कारण होता है आपका रिजेक्ट करने का। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी आप उसमें कैश जमा ना कराएं, आपने जो भी है सैलरी दिखाई, अगर आप कैश जमा कराते हैं विच इज़ मिसलीडिंग टू दिस यू नो वीज़ा ऑफिसर्स, जब भी एक रीज़न हो जाता है आपके वीज़ा का रिजेक्ट होने का। सो हमारी ये है रिकमेंडेशन है कि जब भी आप बैंक स्टेटमेंट कराएं तो वो 1 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पुरानी होती है तब भी एक रीज़न हो जाता है रिजेक्शन का। और 8th कॉमन मिस्टेक होती है इनवैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस। बेसिकली जब आप यूरोप ट्रैवल करते हैं तो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस जो होनी चाहिए करनी चाहिए अराउंड 30,000 यूरोज़ की। अगर इससे कम की इंश्योरेंस है तो वो वैलिड नहीं मानी जाती। इसके कारण भी हमने देखा है कि कई रिजेक्शन होती है। तो जब भी आप ये टाइप की इंश्योरेंस ले तो ये आप अपने एजेंट से पूछ ले कि ये जो है ये यूरोप के लिए वैलिड होगी और ये कवर करेगी 30,000 यूरोज और नहीं। कई बार क्या होता है ट्रैवल एजेंट्स आपको कोई भी इंश्योरेंस बेच देते हैं और वो ये लोग नहीं देखते कि ये पूरा अमाउंट कवर कर रही है नहीं, तो ये भी एक कारण है रिजेक्शन का। और एक पॉइंट और कि जो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए वो आपके पूरे एंटायर ट्रैवल जर्नी का पीरियड को कवर करनी चाहिए, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम डेट टू एंड ऑफ द डेट, जब तक आप अपनी होम कंट्री लैंड नहीं कर जाते। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पूरी जर्नी का एंटायर डेट कवर करनी चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस। तो अगर ये भी देखा गया है कि ये नहीं कवर करते तब भी एक रीज़न बन जाता है रिजेक्शन। और 9th कॉमन मिस्टेक हमने देखी गई है कि अगर आपको शेंगेन वीज़ा मिला और आप उस कंट्री में घूमने गए और आप ओवरस्टे कर देते हैं, आपने जो टाइम डिफाइन किया है जब जो अब तक आपका वीज़ा वैलिड है आप उससे ज़्यादा स्टे कर जाते हैं और आप वापस आ जाते हैं और आप सेकेंड टाइम जब वीज़ा अप्लाई करते हैं तब भी हमने देखा गया है कि एक रीज़न आपके वहाँ पर कंप्यूटर्स में आ जाता है कि आपने ओवरस्टे किया था और आपने पूरे रूल्स को नहीं फॉलो किया, जब भी आपके सेकंड टाइम का जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाता है। सो कभी भी ऐसा ना करें, ओवरस्टे ना करें। और आज का ये वीज़ा का ब्लॉग हम यहीं पर ही एंड करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी और हमारा फेसबुक पेज भी है जहाँ पर आप अपने लेटेस्ट स्टोरीज अपलोड करते रहते हैं, जिसका हैंडल हम आपको ऊपर दे देंगे, आप वहाँ पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। और आप बताइए कि आज का आपको व्लॉग हमारा कैसा लगा, क्योंकि इस बार ही हम लोगों ने ये व्लॉग कोशिश की कि हम बाहर आके इस वीडियो को बनाए, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था तो हमने सोचा वाई डोंट वी यू नो इन्जॉय दिस वेदर एंड क्रिएट अ वीडियो विद विच विच शुड हैव अ यूनिक एक्सपीरियंस।